अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज जो है मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बेसिकली ये टॉपिक जो है ये आपके कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड है। और इसके अलावा ये कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग तो पहले से भी काफ़ी कुछ जानते हैं, मीन्स यू नो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बेसिकली क्या टेक्निक है और इससे मतलब एज अ रिज़ल्ट हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है, और उसके बाद उसके जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं क्या उन्हें हम कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ लैब स्केल पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसकी एप्लीकेशंस के अंदर जानेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपका जनरल टॉपिक था, मैंने उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या मेथडोलॉजी इन्वॉल्व होती है, इसका क्या पर्पस है, और इससे बेतहाशा जो GMOs बनाए जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इधर देयर प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब के सब यूज़ हो रहे हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पहले तो हम देखते हैं कि ये है क्या है बेसिकली। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसमें यू विल सी के इट्स द प्रोसेस बाय विच पीसेस ऑफ DNA आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि ह्यूमन से अगर हम पीस ऑफ डीएनए का क्या मतलब है, इट्स अ जीन। अगर हम जीन ले रहे हैं उसको हम बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं, फिर बैक्टीरियम से जीन लेके उसको प्लांट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन से जीन लेके उसको शिप के अंदर भी लगा सकते हैं, फिश से जीन लेके उसको प्लांट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो सो ये एक सारा जो है सर्कल, एक सारा वो प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन को उठा रहे हैं और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लगा रहे होते हैं। अब ये एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है जिसमें ये दिखाया हुआ है कि जो आपका ये फायर फ्लाई होता है इसके अंदर एक जीन होती है जिसे लूसीफरेज जीन कहते हैं। लूसीफर जीन जो है वो लूसीफरेज एंजाइम प्रोड्यूस कराती है। लूसीफर जीन का पर्पस क्या होता है, इट हेल्प्स इन मतलब ग्लिटरिंग में हेल्प करता है, जैसे कि ये जिसको आप उर्दू जबान में जुगनू कहते हैं, जुगनू के अंदर चमकने वाली, आपको पता है जुगनू जो है वो चमक रहा होता है। तो क्यों चमक रहा होता है, उसके अंदर बेसिकली एक जीन होती है लूसीफर जीन जो लूसीफरेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा होता है। और उस जीन को हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नतीजे में हमने उस जीन को इसमें से उठाया और उसको एक प्लांट के अंदर लगा दिया जो कि टोबैको प्लांट है, और उससे टोबैको प्लांट जो है वो चमकना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही जीन थी, और ये सारे इस प्रोसेस में को हमने इंजीनियर किया है और जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व हुआ, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में चाहिए क्या क्या होता है। अ वेक्टर इज नीडेड टू ट्रांसफर अ जीन इनटू अ होस्ट। ऐसे ही तो नहीं कि जीन को उठा के हम होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, नहीं, बल्कि इसमें एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एक आप कह लो कि लिंकर यूज होता है, एक वेक्टर यूज होता है, जिस वेक्टर को मोस्टली हम प्लाज्मिड कहते हैं या वायरसेस भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये पीसेज ऑफ DNA होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो वायरस भी हो सकता है। अब इस क्या करते हैं, हम अपनी डिजायर जीन को प्लाज्मिड के अंदर लगा के उसको होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, या फिर अपने जो वायरस होता है उसके अंदर हम अपनी मर्जी का जीन, अपनी डिजायर जीन को पुट करेंगे, देन उसको हम होस्ट सेल के अंदर जो है वो जाके उसको इंसर्ट करा देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम एक पूरा प्रोसीजर पे एक लुक करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, DNA कैरिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन फ्रॉम That is human cell. एक हमने फर्ज करें कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन देनी है, उसको हम लोग ह्यूमन बींग से एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, पैंक्रियाज। आपको पता है पैंक्रियाज में अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन प्रोड्यूस कर रहे थे, वहाँ से हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाल ली। लेट्स से जीन है, अब इस जीन को हम इंसर्ट करेंगे इनटू द DNA ऑफ अनदर होस्ट। होस्ट एक बैक्टीरियम हो सकता है, उसके अंदर पहले हमने इसको ट्रांसफ़र किया प्लाज्मिड पे, वहाँ पे जोड़ा, देन उसको होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट किया। अब होस्ट सेल के पास रिकॉम्बिनेंट DNA है, मींस कि अपना उसका पुराना DNA और नए वाला DNA भी है। अब उसके बाद होस्ट सेल क्या होगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, एक से दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, इस तरह बनना शुरू हो जाएंगे। देन द डिजायर्ड प्रोटीन इज प्रोड्यूस। तो उसके नतीजे में ये जो डॉट्स हैं ये हमारी प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन है। अब ये उसमें क्या बताया कि ये वॉट कोई भी बड़ा साइज का ट्यूब
के साइज का बड़ा साइज का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं अपने लिक्विड को या कोई भी प्रोडक्ट को, मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। अब ये देखें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे एंटर होता है होस्टल के अंदर। ये सबसे पहले हमने ह्यूमन सेल से जीन आइसोलेट की, इस जीन को हमने प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करने के भी डिफरेंट स्टेप्स थे, कैसे कि पहले हम लोगों ने प्लाज्मिड को लिया, उसमें से प्लाज्मिड कहाँ से आइसोलेट किया, एक बैक्टीरिया के अंदर से। उस प्लाज्मिड को हम लोगों ने काटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, एक एंजाइम होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, वो प्लाज्मिड को काट देगा और फिर वहाँ पे हम अपनी मर्जी का जीन लगा के उसको होस्ट बैक्टेरियम के अंदर, जो कि हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, उसके अंदर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज फॉरेन डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू इट्स जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास अपना डीएनए तो है ही है, बट उसके पास फॉरेन डीएनए भी होता है जो कि इंटीग्रेट हुआ होता है, जो कि मतलब कि हिस्सा बन जाता है किसका, एक उसके अपने जेनेटिक मटेरियल का। जब कोई भी फॉरेन डीएनए किसी भी होस्ट के डीएनए का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये देखिए, ये आप डीएनए है, ये ब्लू सॉरी येलो कलर का फॉरेन डीएनए है। अब ये फॉरेन डीएनए है, ये होस्ट का डीएनए है। अब जो पर्पल कलर का डीएनए है उसके हम लोग कट्स करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, उसके कटेड एंड्स प्रोड्यूस होंगे, उनके साथ उसका फॉरेन डीएनए यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड जीन है उसको हम इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, अब ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया जिसमें होस्ट का अपना डीएनए है और उसके पास एक्सटर्नल या फॉरेन वो कहते थे हम लोग जो बाहर का डीएनए था। ठीक है, फॉरेन डीएनए, इसलिए इसे कहेंगे ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब इसमें स्टेप्स के इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमने जो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करानी है उसको पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, पहले हमने देखना है कि इधर ये वही है, उसमें वही क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें जीन चाहिए थी। लेट्स से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, अब पहले हम इंसुलिन जीन प्रोड्यूस जहाँ पे वो जीन होगी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करा रही है, पहले उसकी जगह को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे सेल्स हैं, कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं। उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जीन हमारी कौन सी रिक्वायर्ड है, इंसुलिन की। ये हम लोगों ने अपनी वो उस रिक्वायर्ड जीन को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि कटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स यूजिंग स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। एक एंजाइम होता है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर कटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि वहाँ से उस जीन को कट करेंगे। ये देखें, ये जहाँ पे ये जीन प्रेजेंट थी वहाँ से उसको कट किया, येलो वाली जीन सेपरेट हो गई। अब इसको हम ये होस्ट का, ये ब्लैक कलर का, अब इसको हम होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे और उससे जो हमारी प्रोडक्ट आएगी वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूजेस क्या होते हैं, इससे हम लोग इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, जो कि डायबिटिक पर्संस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इससे पहले जब जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं थी उससे पहले ये जीन थीको से और पिग्स से हासिल की जाती थी, बट ये कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, उसको हम लोग एनिमल इंसुलिन कहते थे, तो ये उन पेशेंट्स को दी जाती थी जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स होते थे। बट ड्यू टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन प्रोड्यूस एंड इंसुलिन एट इंडस्ट्रियल स्केल। सो इसमें मतलब एनिमल्स जो थे वो उनके लिए भी थोड़ा सा ये लाइफ थ्रेटनिंग था। अब दूसरा यूज़ इसका क्या आता है, टू मेक ग्रोथ हार्मोन टू ट्रीट ड्वार्फनेस। ठीक है, जो छोटे कद के लोग रह जाते हैं उनके अंदर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, मीन्स के जितना उसे प्रोड्यूस होना चाहिए उससे कम होता है, जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म की कंडीशन आ जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH जो है वो यानी कि सारी रिलीज तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है ना, तो क्या होता है कि इसको जो है वो हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे इसके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन वहाँ से सेपरेट करते हैं ह्यूमन से, देन उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करते हैं, कल्चर करते हैं, इसी तरह से उसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। देन इंडस्ट्रियल स्केल पे जब वो सक्सेसफुल हो जाती है फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे हम HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और बड़ा यूज़ है टू प्रिपेयर वैक्सीन्स। ठीक है, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या करते हैं, वो वाली जीन ले लेते हैं
जो कि फ़र्ज़ करेंगे किसी भी वायरस, जो आपने वैक्सीन अभी नहीं पढ़ी, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लाइव या वीकेंड डेड कल्चर ऑफ वायरसेस यूज़ किया जाता है टू इंसर्ट इन टू द बॉडी. अब उसके बाद बॉडी के अंदर जब उसे इंसर्ट किया जाता है तो वो हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा देता है. जब वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराता है तो वो उस यानी कि जो वायरस उसके अंदर इंसर्ट किया था उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना शुरू कर देता है. तो अब वैक्सीन को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. उसमें हम कोई एनिमल सेल को एज अ होस्ट यूज़ करके भी उससे वैक्सीन प्रोड्यूस करा सकते हैं. हम लोग एग्स को भी यूज़ करते हैं, कुछ बैक्टेरियम भी हो सकता है. इसी तरह से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए हम वो वैक्सीन वाली जो वायरस वाली वो जो जीन होती है उसको आइसोलेट कर लेते हैं किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करके, देन हम उससे अपनी वैक्सीन को प्रिपेयर कर लेते हैं. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसका एक मेजर यूज़ ये भी है टू मेक प्लांट रेजिस्टेंट टू द डिजीज़. जैसे कि टोमेटोज़ हैं, टोमेटो मोज़ेक वायरसेस, वो टोमेटो के प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं और डैमेज कर देते हैं, तो हम उससे उसके रेजिस्टेंट प्लांट्स बना रहे हैं. ठीक है, ऐसी जीन लेंगे जो कि उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे अगेंस्ट द TMV. फिर उसके अलावा टू मेक पिग्स को और फिश ग्रो फास्टर, यानी कि फिशेज जो पहले इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, उनमें मास प्रोडक्शन कम थी, तो बाकी इसमें भी हम लोग ग्रोथ हार्मोन को इंसर्ट करके उनकी ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं. हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय कोज, को के अंदर जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन इंसर्ट करके उससे बल्क में जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक यूज़ आ जाता है कि इससे हम पिग विद लेस फैट भी बना सकते हैं. ठीक है, ये एक कंट्रोल है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है. इसमें हम लोगों ने क्या किया, लो फैट प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो इंसर्ट करी, जिसके नतीजे में उसमें फैट्स कम प्रोड्यूस हुए. अब एक चीज़ आ जाती है जीन थेरेपी. जीन थेरेपी में दो लफ्ज़ हैं, एक जीन है और एक थेरेपी है. थेरेपी का मतलब होता है कोई भी ट्रीटमेंट. जीन थेरेपी में हम जीन को ट्रीट कर रहे होते हैं. जैसे देखें, व्हेन अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ सिक पर्सन, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वो बोन मैरो लिया जाता है. आपको पता है बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं. स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है टू ग्रो एनी टाइप ऑफ सेल. ठीक है, स्टेम सेल ये कह लो कि एक प्रोजेनिटर सेल होता है, एक जनरल सेल होता है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऑल टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप हो सकता है. तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. तो बोन मैरो कंटेनिंग स्टेम सेल्स इज रिमूव फ्रॉम द हिप बोन. ठीक है, किसी भी सेहतमंद आदमी की हिप बोन से बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसके अंदर स्टेम सेल्स होंगे, जिनके ऐसे सेल्स होंगे जिनकी एबिलिटी है कि वो ऑल टाइप ऑफ सेल्स में डिवेलप हो सकते हैं. अब द वेक्टर इज़ यूज टू कैरी द जीन इन टू द स्टेम सेल. अब हम लोगों ने वही वेक्टर्स यूज़ किए, उनके पास हमारी मर्जी की जीन होगी. फर्ज करेंगे हम लोग कोई ऐसी जीन यूज़ कर रहे हैं जिसे हम डेफनेस को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हेल्दी जीन को हम लोग क्या करेंगे, स्टेम सेल में इंसर्ट कर देंगे. अब स्टेम सेल्स विद द न्यू जीन, स्टेम सेल के पास डेफनेस को ट्रीट करने वाली जीन आ गई, देन इनसाइड गिवन बैक टू द पेशेंट 5 days later. तो फिर उसके अंदर अब ये स्टेम सेल्स हैं और उनके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन है. देन जो 5 days हम उनको रख के उनको प्रिपेयर करके उनकी एक्टिविटी को देख के उसको हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, देन पेशेंट जो है वो नॉर्मली डिवेलप करना शुरू कर देता है. अच्छा, अब एक मेजर जो है वो हम लोग एक फ़ायदा हमारे लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा ये है कि गोल्डन राइस प्रोड्यूस करा रहे हैं. गोल्डन राइस अ रिच इन विटामिन ए. ठीक है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है. मैंने आपको कहा था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के एग्जाम्पल में आता है गोल्डन राइस. राइस जो होते हैं वो रिच होते हैं विटामिन ए में. ये देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी राइस हैं वाइट कलर के, और जो गोल्डन राइस होंगे वो गोल्डन से कलर के हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम गोल्डन राइस. इसमें विटामिन प्रोड्यूसिंग जीन को निकाल के इस प्लांट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो विटामिन ए रिच जो है वो प्रोडक्शन हमें दे रहा होता है. फिर फेदरलेस चिकन भी इससे बनाया जा रहा है. वो फेदरलेस चिकन क्या होगा कि हम उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि फेदर प्रोड्यूसिंग जीन को या तो हम माइनस कर देंगे या फिर जो कि प्रोड्यूस नहीं करा रही होंगी. ठीक है, मतलब कि उसको हम जीन को साइलेंट कर देते हैं इसमें. तो एज अ रिजल्ट वो बेटर ग्रो करते हैं इन वार्मर कंट्रीज जहाँ पे उन्हें कूलिंग की ज़रूरत, मतलब कि उसमें फर्दर जो है वो फेदर्स की वजह से वो जो उन्हें प्रोटेक्शन दे रही होती हैं टेम्परेचर से, वार्म अप कर रही होती हैं बॉडी को, उसकी ज़रूरत नहीं होती. अच्छा, अब ये स्ट्रॉबेरी विद एंटी फ्रीज. एंटी फ्रीज एक ऐसा केमिकल होता है जो कि फिश
होती है, यानी कि फिश लिविंग जो कि फिशेस कोल्ड वाटर के अंदर रह रही होती है ना, वहाँ पे उनके पास एक एंटी फ्रीज केमिकल होता है. उसका काम क्या होता है, जो कि वो बहुत ही कोल्ड वाटर में रह रही होती हैं, उसका काम ये होता है कि वो उनके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, उनके ब्लड को जमने नहीं देता वहाँ पे. तो हम लोग वो वाली जीन जो एंटी फ्रीज जीन होती है, एंटी फ्रीज मेकिंग केमिकल जीन होती है, उस जीन को हम लोग सेपरेट करते हैं और उसको स्ट्रॉबेरीज के अंदर इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि वो उनको मशिंग अप से जो है अवॉइड करता है. मतलब कि आप स्ट्रॉबेरी फ्रीजर में रखो तो उसको निकालो दूसरे दिन, या वैसे ही रखी रखो कुछ देर तो वो आपको पता दब जाती है, मशअप हो जाती है, मैश होना शुरू हो जाती है विद, यानी कि उसको फ्रोजन भी कर लिया जाए तो भी वो मैश होना शुरू हो जाती है. तो उसके अंदर हम एक एंटी फ्रीज केमिकल प्रोड्यूसिंग जीन लगा देते हैं जो कि उसको मशअप होने से रोकती है. और बट ये है कि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो ब्लू हो जाती हैं. इट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब हैज़र्ड्स क्या हो सकती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से? हम मज़े मज़े की चीज़ें तो इसे प्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, कैंसर कॉजिंग भी हो सकती है, हायर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी होते हैं. क्योंकि जब हम जीन थेरेपी और ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे नॉर्मल सेल्स को, बाकी यानी कि जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे ख़तरा होता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा आते हैं. क्योंकि वो जो नॉर्मल जीन तो हम इंसर्ट करते हैं बट उसके साथ कुछ डिफेक्टिव जीन्स भी आ जाती हैं. और चूँकि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अब इसमें वो कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ क्रिएटिंग द न्यू माइक्रोब्स दैट आर डिफिकल्ट टू किल बाय एंटीबायोटिक्स. और इसके नतीजे में ऐसे माइक्रोब्स भी डिवेलप होते जा रहे हैं कि जिनको हम एंटीबायोटिक्स के नतीजे में भी किल नहीं कर सकते. यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेके ह्यूमन के अंदर इंसर्ट कर रहे हो इससे, या कोई वैक्सीन या कुछ भी, तो उससे वो समटाइम्स ये होता है कि सर्टेन ऐसे पैथोजेंस भी आ जाते हैं, वो समटाइम्स वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता उनको एंटीबायोटिक्स से किल करना. तो जहाँ फ़ायदे भी हैं वहाँ नुकसान भी हैं. सो सम पीपल से इसके बैन द GMOs, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द नेक्स्ट. चलें, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जो एम्बिग्यूटी होंगी वो फिर हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करके तो उसको क्लियर कर लेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम.